गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू दूंगा। इस स्ट्रैटेजी का नाम है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं MACD स्ट्रैटेजी। MACD स्ट्रैटेजी में बेसिकली जब एक स्टॉक अपने स्टॉक का जो ट्रेंड है वो मूविंग एवरेज के फेवर में आता है तो इस स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है इस समय, जैसे ही चार्ट पैटर्न में 5 मिनट कैंडल में या फिर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के इंटरवल में आपको स्टॉक का जो ट्रेंड है मूविंग एवरेज के लेवल्स पे आते हुए दिखे, उसी लेवल पे आपको लॉन्ग करना है और स्टॉप लॉस लगाना है बिलो द मूविंग एवरेज और लॉन्ग टारगेट रखना है अबाउ द मूविंग एवरेज। इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली बहुत सिंपली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस पर सिर्फ आपको ये देखना है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो मूविंग एवरेज के लेवल्स पे फेवर कर रहा है कि नहीं। जैसे ही वो फेवर में आता है आपको लॉन्ग करना है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रहा है या फिर पहले सपोर्ट की तरफ जा रहा है वहाँ पे आपको एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे ही वो मूविंग एवरेज के ऊपर आता है वहाँ पे आपको उसको टारगेट लगाना है। इस स्ट्रैटेजी का इनडेप्थ वीडियो कुछ ही दिनों में आप मेरे यूट्यूब चैनल में आपको दिखेगा और मैं आपको ये इनडेप्थ वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।